बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ्स चैनल। एक्सरसाइज अगेन, नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड, और एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 है। बहुत अहम क्वेश्चन था, आप मेरी रिक्वेस्ट से एंड तक देखिएगा, पढ़ेंगे सीखेंगे तब ही मजा आएगा। इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रही है, कोई ऐसे स्टूडेंट जो स्किप कर देते हैं या हमें आती हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशंस पैटर्न जो है वो डेफिनेटली कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ सीखना चाह रहा हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसे एक एक स्टेप देखें और ये ना देखें कि व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ ये हमें आता है। बहुत क्विक मेथड्स, स्मार्ट वर्किंग, जितनी भी वर्किंग शर्किंग आप नजर आ रही है, एक ही फॉर्मूला यूज करना आप। कई की बुक जो मुझे मार्केट में नजर आई है, पता नहीं कितने दो दो तीन तीन फॉर्मूला में आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन दिस वन इज अ सिंगल फॉर्मूला। ये मेरा और आपका चैलेंज है कि आज जो है, बल्कि हमेशा यही रहता है कि बहुत आसान मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, जिनको ये समझ आ रही है कि फोर्थ चैप्टर इज टू टफ नाउ। बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 आर 4 मार्क्स क्वेश्चन, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बोर्ड्स। मैं इसलिए आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, उसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड चाहे फेडरल में हो, चाहे प्रोविंस में हो, चाहे वो सिंध में हो, जहां भी हो, चाहे इंडिया में हो, ऑब्वियसली आपने इसको जरूर प्रेफर करना। नाउ x plus y equal to 7 and xy equal to 12 are given, are given data. I have to require that x cube plus y cube. सॉल्यूशंस में हमने या मैंने फॉर्मूला लिखा, यानी कि एक प्रेजेंटेशन आपके सामने है, फॉर्मूला एक ही यूज करना है और आपने किया हुआ, इसमें कोई ऐसा घबराना नहीं है। रेडी, क्या करना है आप क्यूबिक फॉर्मूले को सामने देख के आना। ये देखें, x प्लस y होल क्यूब। याद रखिएगा फॉर्मूला, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लिखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप पावर्स को देखें, अगर यहाँ वन पावर या डिग्री वन है, यहाँ थ्री में जा रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्यूबिक फॉर्मूला यानी कि लीनियर क्यूबिक का कॉम्बिनेशन है, आपने वही फॉर्मूला देखना है। यहाँ स्केलिंग तो लगेगा नहीं, तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब लगाना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला। इसमें देखें अगर प्लस है तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें नेगेटिव साइन आता, और फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों अलग अलग, फिर एक्स वाई इनका प्रोडक्ट, और फिर सिंगल एक्स प्लस वाई। ये याद रखना है, ये आज के लेक्चर्स में सिर्फ साइन चेंज होंगे, इसमें पुट द वैल्यूज, ये जनाब हमने वैल्यूज लगा। जब आप वैल्यूज लगाएंगे, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने वैसे का वैसा लिख देना है। ये देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मैंने वैसे का वैसा लिख दिया, बाकी की वैल्यूज लगा लेते हैं। इक्वल एक्स प्लस वाई, वेयर दिस वन इज एक्स प्लस वाई, 7 क्यूब प्लस 3xy 12 एंड अगेन एक्स प्लस वाई And again x plus y is 7. तो देखो आसान हो गया काम, जो रिक्वायरमेंट है मैं बार बार कह रहा हूं वो वैसे की वैसी है, बाकी कोई भी वेरिएबल्स या टर्म जो है आपने इसके अलावा नहीं लिखनी, उसको फिक्स कर दिया हो। अब कैलकुलेटर्स का काम है, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मैं भी करता हूं। 7 is 343 अगेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे का वैसे प्लस 3 × 12 × 7 3 × 12 × 7 252। यही यार मेरा है कैलकुलेटर, एक ही होता हमारा 252। सब्जेक्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल माइनस में ले जाए, एडिटिव इनवर्स माइनस 252 आई थिंक इज अ 91। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, लेकिन नॉर्मली हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 91 ये देख लें,
एक कॉमन प्रैक्टिस है, कई बच्चे स्टूडेंट्स मुझे यही कहते हैं कि सर इसको राइट साइड में लेके आए, लेफ्ट साइड में आए, कोई टीचर हमें डांटते हैं, जो लेक्चरर्स हमें डांटते हैं, छोड़ दें, आसान काम हो गया। और ये इमेजिन देखिए क्योंकि ये 4 मार्क्स है। नेक्स्ट चले, अब इससे एक स्टेप आगे, यही सब कुछ है, फॉर्मूला यही है, लेकिन इसमें एक बेसिक और फॉर्मेशन स्टेप में इजाफा होगा। रेडी? इट्स वेरी हाँ, इसको देखना सीखना बहुत जरूरी है। 3x + 4y = 11, xy = 12। रिक्वायर्ड ये है कि क्यूब, अगर आप गौर करें कि 3 का क्यूब जो है वो 27 है और 4 क्यूब पावर जो है वो 64 बनती है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, इसे हम बेसिक फॉर्मूले के तौर पर हम यूज करेंगे और फिर फॉर्मेशन फॉर्मूला बनाएंगे। बहुत आसान है यार, देखो, रेडी? यस, ये फॉर्मूले को मैं रिपीट कर रहा हूं, x + y³। साथ साथ आपको याद भी होता जाएगा, अलग अलग क्यूब, x³ y³, 3 इन दोनों का प्रोडक्ट और इनटू में फिर x + y, क्योंकि इनका स्केयर बनना होता है। ये तो बेसिक आ गया। अब फॉर्मेशंस देखिएगा, फॉर्मेशन यहां आप लोगों ने बस देखना है, यही चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये वो सिखाना था जो मैं आपसे कह रहा हूं, साथ साथ रखे। लेकिन इससे पहले आप प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ बहुत ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब फॉर्मेशन को गौर से देखिएगा। अब आप देखें यहां 3x + 4y है, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो x + y है। अब आपने रिप्लेसमेंट करनी है, इसे न्यू जो है वो एक शेप देनी है। क्या करोगे? सिर्फ आसान लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं कि आपने हर x, ये देखो ये x नजर आ रहा है, दिस वन x, ये x और ये वाला x, हर x की रिप्लेसमेंट करनी है 3x में। ठीक है, 3x में क्यों है? क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और गेस करो कि हर y को किस में रिप्लेस करोगे? यस, y को 4y में। गुड, और y को आपकी रिप्लेसमेंट जो होनी चाहिए वो 4y में होगी। सिर्फ देखो आराम स्कूल से, x किस में? यस, 3x, दिस वन, प्लस y, 4y होल क्यूब। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास जो गिवन है हमने उसको उसकी शेप में लेके आना है। जहां जहां x है, आंखें बंद करो, लेकिन आंखें ज्यादा ना बंद करना कि नजर ही ना हो, आपने उसको x को 3x और y को 4y में, ये देखें 3x क्यूब भी है, इसको क्यूब लाएं, y की रिप्लेसमेंट 4y, शाबाश क्यूब में है, क्यूब लीजिए, फिर प्लस, फिर 3, फिर x की रिप्लेसमेंट 3x और फिर y की रिप्लेसमेंट जो है वो 4y, ये आ गया। और नेक्स्ट, हाँ अभी ये है, इसको फिर हम देखते हैं, इसको एक और ब्रैकेट दे रहे हैं, हर x को फिर 3x में और ये 4y, दिस वन। बाद में देख लेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, आप इसकी फिक्र मत करें, ऐसे ही होता है। ठीक हो गया, x 3x 4y, 3x 4y, 3x 4y, 3x plus 4y। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें, फिर हम देखते हैं कि आगे इनकी वैल्यूज अभी मत लगाइएगा, इसको वैसे के वैसे लिख लें, 3x + 4y³। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 27, 3 × 3 × 3 भूल गया, 3 × 3 = 27 x³ प्लस 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4 = 64, गुड, y³ प्लस डिजिट न्यूमरल्स मल्टीप्लाई करें, 3 द 9, 9 4 द 9 4 36, गुड, मुझे नहीं आता भी मल्टीप्लाई, आप मुझे बता दिया करें, और इनटू में अभी ये हमारे पास है 3x + 4y। यस, क्लियर? अब आप देखो 27x³ + 64y³, दिस वन इज रिक्वायर्ड, बाकी तमाम की वैल्यूज मौजूद हैं, फीड करें, गुड वैल्यूज। ये वो फॉर्मेशन स्टेप था
जो मैंने आपसे कहा कि ये प्रीवियस पार्ट में और इसमें ये फर्क है। अब देखें जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं वैसे के वैसे ब्लूइश में लिख रहा हूं, 64y³, बाकी का मैं वैल्यू दे रहा हूं 3x + 4y, 11 पावर 3, बिकॉज दिस वन इज अ पावर 3, प्लस 36 अगेन xy इज अ 12, नेक्स्ट इनटू, फिर आपने 3x + 4y नहीं लिखना, 3x + 4y वैल्यू है 11, ये ले लेना वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब सिर्फ कमाल किसका है, मेरा नहीं, ना ही कमाल जमाल की बात हो रही है, अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस के लिए कैलकुलेशंस मौजूद है, कैलकुलेशंस के लिए मेरे पास हथियार मौजूद है जो कि आप लोगों के पास भी मौजूद है, जैसे कैलकुलेटर। 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 पावर 3, 1331, ये रहेगा 1331 इक्वल टू वैल्यू 27x³ + 64y³ + मल्टीप्लाई कर दें, मेरे पास अपना इतना कोई मैजिक नहीं है, 36 × 12 × 11 ओ याद आ क्या आ रहा है, 4752। अब इसको सब्जेक्ट बनाएं, अब उसी को आप में वो देख लेना जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने इंडिकेट किया था, 27x³ + 64y³ और 1331 माइनस, मैं बारहा आपसे कह रहा हूं जिसको मूव करना होता है आपने उसके साइन को इन्वर्स करना होता है, आप लोग उसको बेचारे को प्लस ही लिख देते हो, जो पहले जो इंतजार कर रहा होता है उसे नेगेटिव लिख लेते हैं, तो -4752 और 1331 सब्ट्रैक्ट कर दें, -1331 जाएगा माइनस में साइन 3421, -3421 इक्वल 27x³ + 64y³, और इसको आप क्लोज कर दें, और चाहे आप वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे ले आए, दिस वन इज आंसर। नेक्स्ट रुके भी सबर करें, आसान हो रहा है तो आराम से देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट पे देखें, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, मेरे जो है प्रेजेंटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दी है इसने, और इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम बना देते हैं जनाब यहां तक। नेक्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 8, x - y = 4, क्वेश्चन नंबर 6, x + y = 7। अभी मेरे जहन में आया यार x प्लस वाई का फॉर्मूला तो अब यहां नहीं लग सकता, अब मैं x - y का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, रुके मुश्किल नहीं है और ना ही बर्डन महसूस करें कि एक और फॉर्मूला याद करना है, आपने इन इसी को जेहन में रखिएगा x + y³ को, बस आपने इनके बिटवीन साइन जो है वो नेगेटिव बना दे, देखें जरा मैजिक चेक कीजिएगा, फिर आप सोच रहे सर आप मैथ छोड़ दें, आप मैजिशियंस बन दें, मैथमेटिशियंस की बजाय मैजिशियंस, कैसा शानदार वर्ड है। बराबर फॉर्मूला देखते हैं, x - y = x³ - y³ - 3xy × x - y, देखो कोई जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं एक ही फॉर्मूले की तरह का मैंने पूरे क्वेश्चंस कर लिए, यहां तमाम के बिटवीन प्लस है ये माइनस, वैल्यूज याद रखना है बस आपने, मेथड मैंने बताना है, तरीका मैंने बताना है, लर्निंग तुम लोगों की, जो रिक्वायरमेंट है x³ - y³ वो वैसे के वैसे लिख दें, बाकियों का मैं कलर चेंज कर रहा हूं, वैल्यू जब हम फीड करेंगे तो क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा, x - y 4 3 xy 21 मल्टीपल, आपने इसे ब्रैकेट लगाना वरना ये 321 पता नहीं कौन कौन सा डिजिट आप ले आओगे, ये ब्रैकेट आ गया x - y 4
जी 4 × 4 × 4, चलो इतना ही तो मुझे मल्टीप्लिकेशन आती है, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। 64 इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देखते हैं जनाब कर लेता हूं वैसे मैं, मुझे कहां आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई 4, तो आपको आता है तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दिया करें ना। 252 माइनस प्लस करके कर लेते हैं जनाब 64 प्लस 252। हाँ यही वो स्टेप्स हैं और यही वो आवाज है जो कि मुझे आनी चाहिए कि सर अब आपने ये कर देना है, इसको आपने प्लस कर देना, ये कर देना है, इसको माइनस करें। अगला नेक्स्ट स्टेप, जब आप समझो कि मैं नेक्स्ट स्टेप ये करूंगा तो समझ ले मेरा फर्स्ट अदा हो गया। इनको आप ऐड करें तो कर ले ऐड, यही कर ले मुझे आता है, मैं फिर आपको थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूं। प्लस कर देते हैं 64 में 360 और इसे हमने फिर वेरिएबल्स को इधर लेके आना है, लाजमी ले आइएगा, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 360। नेक्स्ट थक गया हूं यार, तो आप मत थकिएगा क्योंकि आप अभी जवान युवान हैं, तो यार जवान तो मैं भी हूं लेकिन फिर भी फॉर्मूला कौन सा होगा। क्वेश्चन है 5x माइनस 6y, इसका मतलब है माइनस वाला ही फॉर्मूला लगेगा लेकिन इसमें फॉर्मेशंस भी लगेगी। रेडी, क्या करेंगे हम पहले बेसिक्स पे लेके आएंगे, मैं थोड़ा सा इस लिहाज से अब कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप जरा देख लीजिएगा। एक्स माइनस वाई और क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मैं आपके बंद करके भी कर सकता हूं माइनस यस यस 3 एक्स वाई, नहीं खोल रहा हूं लिखना भी तो था ना, एक्स माइनस वाई। ये आप दोनों फॉर्मूले में मुझे याद भी हो गए हैं, मैंने सीख भी लिए, लेकिन यहां अगर वही वैल्यू होती तो मैं इसमें वैल्यू फीड कर देता, लेकिन यहां एस यूजल एस क्वेश्चन नंबर 7 हमने एक फॉर्मेशन स्टेप भी करना है। इज अ फॉर्मेशन फॉर्मेशन में क्या करना है जरा बताइए क्या। ओ नहीं, हाँ हाँ वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आपकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए हर x को 5x में और हर y को 6y में। गुड, अब आप और मैं एक ही पेज पे आ गए कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, अपनी मर्जी से कहीं भी x और y की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट है x की रिप्लेसमेंट 5x में और y की रिप्लेसमेंट 6y में, प्लस माइनस को इग्नोर कर दें वो इसमें वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। यस चले जनाब 5x माइनस 6y क्यूब इक्वल, इसको जरा ऐसे पार्ट कर लें, फिर x आ गया यार ओहो, फिर 5x इसका क्यूब भी, फिर y मत लिखिए स्टॉप, अपने जज्बात को कंट्रोल में करें, y को किसमें 6y में, गुड 6y क्यूब आ गया माइनस 3 को मत चेंज करें, इस बेचारे को रहने दें, x आ गया फिर 5x ब्रैकेट फिर 6y ब्रैकेट, मैं फिर कह रहा हूं माइनस प्लस को इग्नोर करें, फिर इनटू और फिर x की रिप्लेसमेंट 5x और y की है 6y। ये नहीं सिर्फ, अब हमने अगला स्टेप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये वैल्यूज आती है, देखिएगा जरा इसको नहीं छेड़ना, क्यूब अब आए 5 × 5 × 5 125 वेल डन, और नहीं कैलकुलेटर यूज करता यार, एक्स क्यूब माइनस 6 × 6 × 6 हैव 216। नाउ लुक एट द रिक्वायरमेंट 125x³ और माइनस 216y² आ गई ना रिक्वायरमेंट, वेल डन। माइनस क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 315 15 6 90 xy × 5x माइनस 6y
अब वैल्यूज लगाएं। Yes, values. 5x minus 6y, 13. Oh my God. It's a 13 को 3 time multiply करना है. Requirement वैसे की वैसे. Y cube minus. रुकिएगा जरा. पहले आप देखें कि शेयर कर लिया, लाइक कर दिया, क्योंकि आगे अभी भी थोड़ा सा टाइम मौजूद है, मेरे साथ रहिएगा. 90x y, यहां 90 x y को फिर चेंज करें किस में, 6 में, और फिर 5x minus 6y को 13 में. कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट आसान बनाएगा कैलकुलेटर. चला कुछ आता है हमें, 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, या 13 पावर 3 देखें जो कैलकुलेटर यूज है. बाल कर मुझे ये भी नजर आ रहा है क्योंकि कैलकुलेटर भी यूज करना आ रहा. 2197 इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब माइनस, ओ रुको फिर 90, ये ले जनाब 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 7020, ये 7020. अब मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, अभी मैं वैसे कह रहा हूं इसको इधर से है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे एडिटिव इनवर्स में आ जाएगा, प्लस 7020 इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब. तो ये बन जाएगा, इसको एक दफा फिर हम लिख रहे हैं और आखिरी दफा लिख रहे हैं, फिक्र मत कीजिएगा, और इसको आप ऐड कर दीजिएगा. ऐड करने के बाद 9217 ब्लॉक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हंसे खुश और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा. कैसा रहा? सेम टच, अलाफिज़.